हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालायण शाला रिएक्शन। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ये पाकिस्तानी सिंध के हिंदू की वीडियो है और इनके चैनल का नेम है वासुदेव पाकिस्तानी व्लॉग्स। और अच्छी बात यह है कि जब हम सिंध में थे तो हमारी इनसे मुलाकात भी हुई और एक कहते हैं ना कि एक पैशन है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। और बहुत अच्छा लगता है जब पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है वो खुद को सोशलाइज कर रही है। सिंध में आपको पता है इंटरनेट भी नहीं है, कोई जॉब भी नहीं है, तो ये एक हिंदू कम्युनिटी का एक उभरता हुआ जो है एक टैलेंट है। तो वीडियो हम उसको अपने चैनल पर शेयर करेंगे और प्लीज मेरे दोस्तों, आप जरूर जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फाइनेंशियली भी इनको बहुत मदद की जरूरत है। और हम और आप सब अगर जो है न्यू टैलेंट को प्रमोट करेंगे तो उनको काम करने का उनका पैशन जो है बढ़ेगा। तो देखते हैं कि वासुदेव ने जो है सिंध से हमारे लिए कैसी वीडियो बनाई है, देखते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, चलो स्टार्ट द वीडियो। और मूली भी रखी है, मूली क्या हिसाब है? ये गोभी है, ये 150 रुपए किलो है। फूल गोभी और बंद गोभी भी, ये कितने किलो है? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो बंद गोभी भी, 150 रुपए किलो। दे थोड़ा बहुत, अभी पेट्रोल बैर से महंगा हो गया, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से आए, कहाँ से हमारे को किराया दे करते हैं। तो अभी सवारी वगैरह कुछ नहीं लगती आप? सवारी लगेगा कहाँ, पेट्रोल महंगा है, सवारी के पास पैसे ही नहीं है जितना हमारा निकाले। हम अपने नहीं है, गरीबत के हिसाब से छोटे टमाटर ले आ रहे हैं, यही बेच रहे हैं टमाटर, बड़े नहीं आ रहे मार्केट में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है एक और हमारे नई व्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग नहीं बल्कि वीडियो होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों को मार्केट लेके चलूँगा, वहाँ पे सब्जियों के रेट और पेट्रोल महंगा हुआ है कल परसों ना, पाकिस्तान में महंगाई हुई है, उससे क्या कितनी महंगाई हुई है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और उनसे बात भी करेंगे और मिलेंगे कि कैसे। अभी मैं गाँव में मौजूद हूँ और चलेंगे अभी मार्केट वहाँ पे, तो वहाँ से पता करेंगे कि सब्जियाँ कितनी महंगी है और जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसका असर जो रिक्शे वगैरह चलाते हैं लोग उन पे क्या पड़ा है। तो ये सब कुछ आपको आज की व्लॉग में देखने को मिलेगा, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर बने रहे। जी तो दोस्तों, हम अभी सब्जी वाले के पास मौजूद हैं और पता करते हैं इनसे क्या क्या रेट है। सब्जी फ्रेश है, 4 किलो है। नमस्ते भाई। ओम नमस्ते। क्या नाम है आपका? राणो। राणो, राणो नाम है। और ये क्या पालक क्या भाव है भाई? ये पालक 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो है। और ये मेथी? मेथी ये 100 रुपए किलो। मेथी 100 रुपए किलो। तो और क्या का रखा हुआ है? ये बैंगन है। बैंगन क्या है साहब? चल बैंगन मिर्ची 50 रुपए है पाव है, 200 रुपए किलो। बैंगन 100 रुपए किलो। बैंगन 100 रुपए किलो है। और गाजर? गाजर 100 रुपए किलो। गाजर कितने? 100 रुपए। गाजर भी 100 रुपए किलो है। किलो ये गोभी है, ये 150 रुपए किलो है। फूल गोभी और बंद गोभी भी, ये कितने किलो है? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो बंद गोभी भी, 150 रुपए किलो है। और मूली भी रखी है, मूली क्या हिसाब है? मूली 80 रुपए किलो चल रही है। 70-80 रुपए किलो। 70-80 रुपए किलो चल रही है। टमाटर 50 रुपए किलो चल रहे हैं। 50-60 रुपए किलो चल रहे हैं। ये टमाटर आप देखें कि बहुत छोटे छोटे टमाटर हैं। टमाटर बड़े मिल रहे नहीं है, गरीबत के हिसाब से छोटे टमाटर ले आ रहे हैं, यही बेच रहे हैं टमाटर, बड़े नहीं आ रहे मार्केट में टमाटर। बस सही है जी। तो दोस्तों, जैसा कि कल परसों पेट्रोल भी महंगा हुआ है पाकिस्तान में, तो उसका असर जो सवारी वाले हैं उन पे क्या पड़ा है, जो रिक्शे वगैरह चलाते हैं उनसे हम बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? इलियास। इलियास नाम है जी। हाँ। तो कल पेट्रोल महंगा हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले पेट्रोल थोड़ा कम था, लोग आ रहे थे किराया दे रहे थे थोड़ा बहुत, अभी पेट्रोल फिर से महंगा हो गया, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से आए, कहाँ से हमारे को किराया दे दे। हम सुबह से आए घर से ऐसे बारिक बैठे हुए, जेब में नहीं है पैसे कि हम पेट्रोल डलवा के घर जाएं। 300-350 रुपए लीटर चल रहा है। 250-300 रुपए लीटर चल रहा है। पहले सस्ता था, 272 रुपए था, अभी और महंगा हुआ है, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है महंगाई पे। बहुत फ़र्क पड़ता है महंगाई पे। अभी पेट्रोल काम पूरी नहीं करते हैं। तो अभी सवारी वगैरह कुछ नहीं लगती आप? सवारी लगेगा कहाँ, पेट्रोल महंगा है, सवारी के पास पैसे ही नहीं है जितना हमारा निकाले, हम अपना मजदूरी का निकाले बचा के घर लेके जाएं या पेट्रोल डलवाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और सब्जी की कीमत सिंध में भी बहुत हाई है। गोभी 200 रुपया, वो जो है टमाटर 100 कैबेज भी 200 रुपया, और उसके बाद जो है मूली भी टमाटर 60 रुपए, गाजर 100 रुपया, टमाटर 60, और लाहौर में अगर देखें तो 200 रुपया है। तो सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है यहाँ पर कि बंदा कहता है कि बस सब्जी को हाथ लगाओ और आप वापिस आ जाओ। पेट्रोल की भी वास्तु
वासुदेव ने वीडियो में डिस्कशन की है पब्लिक के साथ, तो ये तो तमाशा चलता रहता है। कभी यहाँ पर पेट्रोल 350 हो जाता है, फिर यहाँ पे मैं एक बात करूंगी, जब अगर हम पेट्रोल की बात करते हैं, जब महंगा होता है तो डायरेक्ट इतने रुपए महंगा कर देते हैं, लेकिन जब सस्ता होता है 1 रुपए 1.5 रुपए इतना वो कम करता है, और उस पर भी लोग इतना खुश हो रहे होते हैं कि भाई पेट्रोल कम हो गया। ये नायला की बात से एग्री करूं, हमारे मुल्क में पेट्रोल की प्राइसेस एकदम जंप करेगी, 50 रुपए बढ़ गया, और कम कितना होगा 10 रुपए। तो ऐसे नहीं यार, 1 रुपए 1.5 पता नहीं आगे उसे क्या कहते हैं, इतना कम होता है, इतना भी हुआ है। हाँ, मैंने खुद कल न्यूज में देखा था, कहते हैं पेट्रोल की कीमत में कमी आई है, कितने 1.5, ठीक है, तो इतना वो कम करते हैं, और 1 रुपए कम या 2 रुपए कम करने से क्या फायदा करना है, 50 रुपए कम करो। एक्चुअली इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में कोविड के बाद बहुत आई है, लेकिन पाकिस्तान में फिर हद से ज्यादा आई है। वजह ये, जैसे सब्जियों के दाम हमने इंडिया साइड से देखा 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए 50 रुपए, इससे बढ़ के मैंने कोई सब्जी नहीं देखी। कुछ ऐसी आइटम्स होंगी जो 100-150 में होंगी, होंगी ऐसी, जैसे ऑफ सीजन होंगी, स्टोर की कोई सब्जी आ रही है तो वो महंगी होती है, हाँ, जिसका सीजन नहीं है, ऑफ सीजन सब्जियां जाहिर है महंगी मिलती है, जैसे चाइनीज खानों में डलती है वो जरा महंगी होती है, तो वो चीज समझ आती है। लेकिन हमारे मुल्क में क्योंकि IMF का प्रोग्राम चल रहा है, हर बंदे को ज्यादा टैक्स पे करना है, हर बंदा कर्जे के बोझ के तले दबा हुआ है, उसको हर चीज पे, अब बच्चों का जो मिल्क है छोटा डब्बों में, जैसे 5 मंथ का बच्चा पीता है, 6 के 7 का, 1 ईयर तक आपको पता है वो मिल्क होते हैं, अगर एक मुल्क में बच्चों का जो दूध है वो 2500-2600 रुपया ड्राई मिल्क, हाँ, 1 लीटर ड्राई मिल्क, तो बच्चा तो आपको पता है 4-5 दिनों में वो कंप्लीट कर लेता होगा, फिनिश कर लेता होगा। तो जो ऐसी चीजें जो बेसिक्स है उसके ऊपर इतना हाई टैक्स है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इस बच्चों की कमर टूट चुकी है, कि कम से कम बच्चों की चीजों पर तो इतना टैक्स ना करें। डायपर्स, एक डायपर 70-80 रुपए का, एक, और आप दिन में देखो तो बच्चे को कितने ज्यादा डायपर, कम से कम 4 डायपर्स तो बच्चा यूज करता है, छोटा होता है वो। तो ये सब्जी भी आपने वीडियो में देखी, सिंध में हालांकि एक बहुत बड़ी जमीन है सिंध की, जखीरे जमीनें हैं वहां पर, खेती बाड़ी होती है, किसान है, लेकिन खादे महंगी है, बिजली महंगा है, पानी पाकिस्तान में है नहीं है, और वो पानी निकालने के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल होता, तो हर चीज इतनी कॉस्टली है कि बंदा करे तो फिर यहाँ पर क्या करे यार, पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा। अभी जब हमने सिंध का विजिट किया तो वहां के हमने बाजार देखे, वहां के बाजार बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, छोटी छोटी जगहों पर लोगों ने अपने लिहाज से छोटे छोटे स्टॉल वगैरह वहां पे लगाए और अपनी मदद आपके तहत वो उन्होंने एक बाजार सा बनाया हुआ है। अगर हम अपने शहर की बात करें, यहाँ पर बाजार तो बड़े हाई लेवल के बनाए गए होते हैं, लेकिन उसमें महंगाई उससे ज्यादा होती है। अब सिंध में सब्जियों का रेट मैंने देखा, और आज ही हमने अगर हम पाकिस्तानी सब्जियों का रेट देखे, मैं बोलूंगी 20-30% यहाँ पे ज्यादा है वहां पे। अगर वहां पे बंद गोभी 120 के, तो यहाँ पे 200 की होगी, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे वो 300 की कर देगा, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आती कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, तो यहाँ सच झूठ नहीं, कौन सा दुकानदार सस्ता है और कौन सा महंगा है, ये हमें, ये अब आपके खुद की सर्च है मार्केट की, आप कितनी सस्ती और अच्छी चीज ढूंढ के लाते हैं। खैर, ये थी आज की वीडियो, और अल्लाह पाक रहम करे पाकिस्तान के गरीबों पर, जो कि 2 वक्त की रोटी खाने से भी बेचारे महरूम हो चुके हैं, महंगाई ने जी कमर तोड़ दी है, और वासुदेव को भी सपोर्ट करें ताकि वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाए और अपने आप को एक पहचान दे पाए यूट्यूब पे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर कर, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू।